गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल के पार्टी कार्यालय में कई युवा पार्टी में शामिल हुए। हैदराबाद से मोहम्मद कलीम कादरी की रिपोर्ट। किशोर व्यास बिलाल जी के यहाँ पर ऑफिस में बड़ी तादाद में मंगलहार डिवीजन क्रिश्चियन बस्ती से हमारे नवयुवा सभी लोग आज पार्टी का खंडवा पहने हैं बीआरएस पार्टी का। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पहलवान परवेज सिंह जी के अध्यवरण में आज ये सभी बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ में हमारे इंचार्ज भाई वाहिद जी है, उन्हीं के साथ में हमारे शंकर सिंह जमेदार जी और सभी और भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हमारे बीआरएस परिवार में आपका मैं स्वागत करती हूं। आज ये जो बीआरएस पार्टी का आपने ये जो खंडवा पहना है, ये सिर्फ खंडवा नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी युवाओं को बताना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी हमारे आने वाले इस देश का भविष्य है, तो आप लोगों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप सभी ने आज यहाँ पर जो खंडवा डाला है, उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है आने वाले समय में आप जनता के हित में, जनता के तकलीफ़ों में, और जो सीएम साहब की तरफ से दी जा रही सर्विसेज उसको घर घर तक पहुंचाए और सभी को आप सहायता करें। आने वाले 30 तारीख को इलेक्शन का अपना पोलिंग है, उस दिन आप लोग हर घर जाके जनता को ये बताएं कि हमारे टीआरएस पार्टी कार के निशान पर वोट डालना है, और आप उनको कन्फेस करें, उनको बताएं कि सीएम साहब की जो उपलब्धियाँ हैं, हमारा तेलंगाना आज जो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच रहा है, उसके बारे में आप सभी उनको बताएं। और 30 तारीख के दिन हर घर से जब वोटर बाहर निकलेगा, वो यही सोच के निकलेगी उसको जाके कार के निशान पे वोट देना है, क्योंकि उनका एक एक वोट इतना कीमती है, आने वाले समय में हर गरीब परिवार को काम आने वाला है। हम ऐसी उम्मीद के साथ में जनता के पास जाएंगे, हर घर जाएंगे, उनका खटखटा दरवाज़ा खटखटाकर उनसे यही विनती करेंगे कि आप आने वाले समय में तरक्की और उन्नति को वोट दें, डेवलपमेंट को वोट दें। हमारे इस भारत देश में सिर्फ एक ही जाति है जो है गरीबी और तकलीफ, हम सभी को मिलकर उस पर काम करना है और उसको दूर करना है। जय तेलंगाना।